मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 10। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर्स के ग्राफिकल मेथड द्वारा हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, साथ ही साथ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे और उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा कैसे हम लोग लीनियर पेयर का एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड द्वारा सीखते हैं। इसके पहले कुछ कंपेरिजन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि जब हम कोई भी क्वेश्चन को जो पेयर में है वह जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं उसका रे जो है, उसका लाइन जो है वो किस प्रकार से शो होता है। यहाँ पे ये 3 रूल्स आप लोग को याद होगा, इसके पहले भी बताया गया है, ये ओनली फॉर ग्राफिकल के लिए है कि यदि A1 by A2 not equal to B1 by B2 then it will be intersecting line। अब intersecting line क्या होता है ये सबको समझ में आ रहा होगा, यानी कि ऐसे 2 लाइन्स होंगे जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके क्रॉस कर देगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी कि निश्चित रूप से जो है वो क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर इस तरह का हमारा कंडीशन हमारे लीनियर इक्वेशन में दिखाई दे तो। सेकेंड में क्या है कि अगर A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 तो वह जो होगा वह कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, यानी कि दोनों लाइन जो है एक ही पे जो है पासिंग थ्रू करेंगे, यानी कि दोनों लाइन जो है एक ही पे जो है वह क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे अगर इस तरह से हमारा इक्वेशन आता है तो। और यदि A1 by A2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2 तो वह जो लाइन्स होंगे जो लास्ट पासिंग करेंगे वह दोनों लाइन क्या करेंगे, पैरेलल लाइन पासिंग करेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से पासिंग कर सकते हैं या फिर इस तरह से जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज को ध्यान में रखना है, यानी कि हम जैसे ही देखते हैं तो उसके द्वारा हमें जो है ये पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ जो है वह कैसा रिप्रेजेंट होने वाला है। अगर हम ग्राफ बनाते समय अगर थोड़ा सा इसको एक बार कहीं चेक कर लेते हैं तो हम बना लेंगे तो हमें ये भी पता चल सकता है कि हाँ हमने जो ग्राफ बनाया है वो सही है या गलत है। तो चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार के पोर्शंस का जो है वो ग्राफ किस प्रकार से हमको बनकर दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमने क्वेश्चन आपको लिखा है 5x-4y+8=0 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 7x+6y-9=0। तो सबसे पहले तो हम लोग कंपेरिजन करें। अब इसमें क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है कि आपको बताना है कि जो ग्राफ आप बनाइएगा वो किस प्रकार का लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यू जो है वह लिख कर हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या लग रहा है कि ये हम A1 by A2 का वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पर B1 by B2 का वैल्यू लिखे और यहाँ पर C1 by C2 का वैल्यू लिखे है, तो क्या ये A1 by A2 और B1 by B2 क्या वैल्यू सेम है, ये 5/7 है, -4/6 है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि नहीं इसका वैल्यू जो है वह सेम नहीं है, यानी कि अगर अब हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ग्राफ पर जो लाइन हमें दिखाई पड़ेंगी वो किस प्रकार की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये पक्का है। तो इस तरह से हम जो है वह चेक करके बता सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि हमने क्वेश्चन दिया आपको कुछ इस तरह का, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 9x+3y+12=0, उसके बाद दिया हुआ 18x+6y+24=0। अब जब इसको देखा जाए 9/18, 3/6, 12/24, हमने बताया था पिछले क्लास में कि जब भी हम कंपेरिजन करते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि लोवेस्ट टर्म में लिख देते हैं, उसके बाद हम कंपेरिजन करते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब इसका बताइए किस प्रकार का हमको जो है ग्राफ पे लाइन दिखाई पड़ेंगे, तब देख सकते हैं कि A1/A2=B1/B2=C1/C2, यानी कि निश्चित रूप से ये जो लाइन जो जो ग्राफ पे बनेगा वो को इंसिडेंट लाइन ही होंगे, यानी कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे
क्रॉस करते हुए चलेंगे। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के द्वारा जो है आप लोगों को ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम समझाएंगे, इसको आप लोग समझेंगे। बहुत आसान मेथड है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि हमने क्वेश्चन लिया एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व। अब जरा देख लीजिए, आप ये समझ सकते होंगे कि अभी हमने जो बताया मेथड उसके द्वारा आपको ये पता चल चुका होगा कि अच्छा इसका जो ग्राफ पर जो हम शो करेंगे वो निश्चित रूप से जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। किसी एक का वैल्यू जो है हम लोग एलएचएस में छोड़ देंगे, बाकी सबको जो है हम लोग आरएचएस में करके उसका वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे। जैसे हमने कर दिया कि एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री वाई। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू अपने मन से जो है कुछ भी रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि y का वैल्यू जब हम रखेंगे तो x के वैल्यू हमको निकल जाएगा। ये सारी चीज आप नाइन्थ क्लास में भी सीख चुके हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, हमें घर ठंडा बना देंगे इसके लिए। अलग अलग दो या तीन आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकालने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इधर में जो है y का वैल्यू दिया हुआ है, हम y में मान लीजिए कि वन रखते हैं। अच्छा देखिए, अगर किसी को दिक्कत होगा तो रफ पे कर लेना। y का वैल्यू अगर हम वन लिखते हैं तो जरा सोचिए, वन हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, थ्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए कि हमने y का वैल्यू यहाँ पर टू रख दिया तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और सिक्स में से सिक्स गया जीरो। यानी कि अगर हम y का वैल्यू टू रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। उसी तरह से फिर हम कुछ रख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए वाई का वैल्यू हमने थ्री रख दिया तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया, नाइन, यानी इसका मैंने ना माइनस थ्री, यानी कि वाई में वैल्यू अगर हम थ्री लिखते हैं तो एक्स में कितना आ जाता है, माइनस थ्री आ जाता है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन फर्स्ट का दो तीन वैल्यू निकाल लेना है। उसी प्रकार से इक्वेशन सेकेंड का भी हम जो है दो तीन वैल्यू जो है वह निकाल लेंगे। 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12 प्लस थ्री वाई एंड x इक्वल टू 12 प्लस थ्री वाई बाई टू। फिर वही काम करना है। अब यहाँ पर हम जो है एक वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा जो फ्रैक्शन में आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग हमें लगाने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि हम अगर ऐसा कोई भी अंक रख देते हैं और जो डिनोमिनेटर से डिविजिबल ना हो तो फिर वो पॉइंट में आएगी। तो हम कर सकते हैं, लेकिन बट पहला कोशिश हम यही करेंगे कि हमारा जो नंबर्स है वो काउंटिंग नंबर्स में आए जो है, उस तरह से हम ये सोचेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम y के जगह पर क्या रखें, ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि जो है इसके बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जीरो ही दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अगर हम इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिर्फ 12 हो जाएगा और हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगा। ये 6 समझ में आ रही है। हमने y की जगह पर क्या रखा था, 0, और x में कितना वैल्यू आ गया, 6 आ गया। उसी तरह से सोचिए अगर आप 1 रखते हैं, सपोज दैट की जगह आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 12 और 3 15 हो जाएगा, फिर 2 से हमारा कटेगा नहीं, 7.5 आएगा। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7.5 को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमारे लिए काउंटिंग हो। जैसे कैसे, मान लीजिए कि आप यहाँ पर माइनस टू रखते हैं। अब देखिए माइनस टू जब आप रख रहे हैं तो 12 और माइनस 6/2, यानी कि 6/2, ये 3 2 6 माइनस हो गया, 12 में से 6 गया 6, अब इसको हम 3 आ गया। यानी कि अगर हम माइनस टू रखते हैं तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है वो कितना जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो इस तरह से ये भी हमारा रियल नंबर आ गया, काउंटिंग में आ गया। तो इस तरह से करके हम सोच सकते हैं कुछ कुछ। अब यदि मान लिया जाए कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 रख देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस, और ये हो गया 0/2, यानी कि माइनस 4 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू जो है वह 0 आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल लेंगे, और आगे के काम क्या है आप आपको अच्छी तरह से पता है। अब यहाँ पे हम अपना ग्राफ के कॉपी पे जाएंगे, और ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम पहले आपको बता चुके हैं, अब सबको पता भी होगा कि ये हमारा जो ओरिजिन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, x
x dash, y and y dash. अब हमको जो है एक एक इक्वेशन का जो वैल्यू आया है वहां पे हमें जो है पुट करके एक लाइन को ड्रा कर देना, उसी तरह से फिर दूसरे इक्वेशन का वैल्यू जो है उसको पुट करके हम ड्रा करेंगे। अब निश्चित रूप से ये हमारा ग्राफ का कॉपी नहीं है तो थोड़ा बहुत जो है टेढ़ा आ सकता है, करवा सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ को बनाइएगा तो पूर्ण रूप से ये जो लाइन जो है वो आ जाएगा। जैसे सिंपल सा हम एक बना के दिखा रहे हैं, जैसे एक्स थ्री और वन, तो एक्स में आते हैं थ्री यहाँ पे है और वाई में वन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट आउट कर दिया। उसके बाद x में 0 और y में 2, तो x में 0 y में 2 यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर दिया। x में माइनस 3 और y में 3 यहाँ पर हमने एक पॉइंट आउट कर दिया। अब क्या करेंगे कि स्केल के मदद से जो है इसको हम मिला देंगे, ये निश्चित रूप से तीनों जो है सीधा लाइन पर जाकर मिल जाएगा। अब ग्राफ पर कीजिएगा तो बस समझ आ गई। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, x में 6 y में 0, x में 3 y में माइनस 2, x में 0 y में 4। अब इसको जब हम खींचेंगे तो ये निश्चित रूप से जो दोनों लाइन जो है एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको दिखाई पड़ता हो कि ये कटते हुए हमें दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटिंग है उस सबका नाम लिख दीजिएगा कि कौन सा पॉइंट जो आपने दिया वह कौन सा है। अब यहाँ एक चीज और है, ये तो हो गया सॉल्व हो गया, लेकिन अगर कोई आंसर पूछ दे बताइए ग्राफिकल मेथड, जब एक मेथड है तो इसके द्वारा एक्स और वाई का वैल्यू भी आना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से आएगा। आप देखेंगे क्या कि एक्स में इसका जो यहाँ पर दोनों कट हुआ, जहाँ पे दोनों कट होता है वहां पर हम देखते हैं कि उसमें एक्स का वैल्यू क्या है और वाई का वैल्यू क्या है, और वही जो होता है हमारा इक्वेशन का आंसर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी आप लोग पहले घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, उसको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, स्टे होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।